वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ सना और मैं जो आज कट करने जा रही हूँ वो है लेयर फेदर कट भी कहते हैं लेयर कट करते हैं लेकिन ये मल्टी स्टेप भी कह देते हैं फ्रंट से तो आज मैं ये कट करने जा रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेयर्स को हम कॉम करेंगे उसके बाद जो है मैंने हेयर्स वो वाले निकाले हैं जो कान के आगे हैं ये कटिंग कॉम है और ये है कटिंग सीजर अब इनसे कटिंग करूँगी स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मैं लूँगी गाइडलाइन गाइडलाइन जो है मैं फ्रेंड से लेनी पड़ती है उल्टा वी जो है फ्रेंड से निकालना पड़ता है और गाइडलाइन जो है वो इतनी निकालनी पड़ती है इतना कट करें जितना आपको कस्टमर जो क्लाइंट आपका हो जितनी रुक करें आप उतना ही कट करें अब ये गाइडलाइन बन गई है अब देखें अब इसी गाइडलाइन को लेकर मैं कट करती जाऊँगी तीन चार पाँच जितने स्टेप हो आप देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ उसी गाइडलाइन को के और दूसरी जो मैंने लेयर ली है वो उससे थोड़ी लॉन्ग रखूँगी और इसी तरीके से सब, सब कट करती जाऊँगी और जो इससे पहले जो वीडियोस में मैंने कट की थी वो थोड़ा डिफरेंट था डिफरेंट कटिंग थी क्योंकि इसकी जो कटिंग है ये देखिए मैं बाहक की तरफ कर रही हूँ कटिंग और वो जो उसमें पिछली वीडियो में मैंने कट किया था वो जो है अंदर की तरफ मैंने कट किया था यही ऊपर की तरफ अंदर से कटिंग की थी और ये देखिए ये मैं बाहर की तरफ लेयर्स बना रही हूँ दोनों डिफरेंट तरीके हैं लेकिन उन दोनों में लेयर्स अच्छे आते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि तो किस तरीके से मैंने कट किया है उससे भी लुक्स अच्छा आता है बहुत और ये भी अच्छा तरीका है तो मैंने दोनों ही शेयर कर लिए हैं आपसे अब देखिए एक तरफ से कटिंग हो गई है और जो है लास्ट में जो होगा थोड़ा फिनिशिंग वो मैं कर लूँगी और ये देखें सॉफ्ट से कट आ गया है ये आगे से अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे अब जो काइट लाइन है उसी के साथ ही मैं एक लट निकालूँगी इस्टेप बनाने के लिए तो ये आगे इसी के साथ ही आप फिंगर्स को लेकर आए स्ट्रेट और अच्छी तरह होल्डिंग से आप नीचे तरफ लेकर आए और जहाँ तक स्टेप है उसके नीचे से दूसरा स्टेप हम स्टार्ट करेंगे ये देख नीचे से ऊपर की तरफ ये कट करेंगे और ये देखिए ये कट हो गया अब उसके बाद जो है इसी तरीके से हम एयर्स को मिलाते जाएंगे और लट निकालते जाएंगे ये देखिए मैं थर्ड लेयर निकाल रही हूँ और उसके साथ ही मैं ज्वाइंट करके कट करती जाऊँगी और जो है स्टेप इस इसी तरीके से बनते जाएंगे और ये कट जो है मैं इतना इजी तरीके से बता रही हूँ और आराम आराम से बता रही हूँ और आपको जो है ये कट करना इतना आसान हो जाएगा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा और आप घर पे भी ये इसे कट कर सकते हैं आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप आराम से ये कट कर सकते हैं प्रैक्टिस से आपको सब आ जाएगा तो ये मैं लास्ट कट करने जा रही हूँ और देखिए कितना क्लियर से आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बस फिंगर्स को अच्छे तरीके से होल्ड करना है और जो ऊपर वाला स्टेप है उसके साथ ही नीचे वाले स्टेप को थोड़ा स्पेस छोड़ के और ऊपर की तरफ आपको कट करना है और उसके साथ जो है पीछे के बालों की जो ट्रिमिंग रहती है वो भी मैं आ, मैंने कहा कि देखो वो भी कट कर लूँ क्योंकि फ्रंट के बालों भी हम कट लेंगे तो बैक के बालों के भी जाए लाजमी एक फिनिशिंग देनी पड़ती है अब जो थोड़े रहते हैं अब उनको भी मैं हल्का हल्का ट्रिम कर लूँगी और ये देखिए फिनिशिंग आ गई है हेयर्स पे थोड़े से ट्रिम हैं बस ये हो जाएंगे तो अब ये फिनिशिंग हो गई अब जो है आप बालों को ऐसे भी छोड़ सकते हैं जैसे सिल्की वेरीबेटी के है, हेयर्स जो हैं वैसे ही सीधे हैं तो लेकिन आप इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं और जो है ये चाह रही है कि मेरे बालों पर हल्के से सॉफ्ट से कर्ल हो जाए आउटर की तरफ तो मैं जो है आपको वो भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आउटर जो है रोलर्स कर्ज सॉफ्ट कर्ल आप कर सकते हैं ये देखें आयरन की मदद से आप आराम से इजीली इस तरीके से आप घर पे कर सकते हैं ये देखें आयरन को ऐसे पकड़े होल्ड करें और हाफ से ही जो है आप ऊपर करके ऊपर की तरफ आप टर्न करते जाएं आहस्ते आहते आप हल्का हल्का टर्न जैसे करते जाएंगे अच्छे तरीके से होल्ड करके फिर आप नीचे तक आएँगे फिर आप हेट को छोड़ देंगे फिर आप देखेंगे कि कितने अच्छे से लूज रोल हो गए हैं आउटर की तरफ और ये बहुत अच्छा स्टाइल लगता है आप इजीली घर पे कर सकते हैं प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप ईद पे भी करेंगे तो ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लगने वाला है कि आप सबको ये पसंद आया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़